ऐसे हो रखे जिसके लिए हमें पीने के पानी की भी प्रॉब्लम है, खड्डे खुदे बच्चे आए दिन गिरते हैं, आए दिन बाइक के गिरते हैं, कहीं ना कहीं हादसे होते रहते हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है प्रशासन पाइप जुड़वाने के कितनी बार बड़े हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हमारे तो हर रोज ये काम करते रहेंगे, कोई ना कोई बाइक आके तोड़ जाता है, कभी क्या हो जाता है, आप हमें ये रोड ठीक करवा के जो जैसी भी है। कब से ये रोड खराब हो रखा है? ये हो गए 4-5 मंथ से, 5-6 महीना हो गया। कितनी समस्या होती है, आप देखो ये सारे दुकानदारों को इनके कस्टमर भी आते नहीं है यहाँ से ढंग से, सबको इन्हीं से कमाना होता है, कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन सी जगह है, जगह के नाम बताइए? 110 नंबर नगर 25 भुट्टा रोड, 110 नंबर गली गली। मालिक यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो गए, और इन लोगों ने कहा था कि हमने वहाँ तक सीवर डाल दिए, यहाँ से यहाँ तक सीवर कल डल जाएंगे आपके, आज इस बात को 3 महीने हो चुके हैं, गड्ढा खोद के डाल गए हैं, कोई सीवर का पाइप लाइन नहीं डाली है इन्होंने, पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है जल बोर्ड की, उनका डेली पानी भरता है यहाँ पे, दुनिया भर के मच्छर पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। आज सुबह सुबह की बात है, एक लेडीज अम्मा जा रही थी एक बेटे के साथ बाइक पे बैठ के, वो यहाँ से गिर गई, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, हमने इस चीज की एप्लीकेशन भी दे रखी है, रोज वहाँ से हमारे पास यही आता है कि कल मलवा डाल देंगे, परसों डाल देंगे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपके एरिया के विधायक कौन है? हमारे एरिया का विधायक संजीव झा। अच्छा, आपने लिखित में कंप्लेन दी? हाँ जी बिल्कुल दी है। क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने कहा था 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, बस आप यहाँ का काम शुरू करवा दीजिए हमारे यहाँ का। तो आपने फिर प्रशासन से फिर बात की? बात करी, उनमें से उनके नीचे वाले बंदा कोई फोन नहीं उठाता है, सिर्फ एक संजीव झा के जो नीचे का बंदा है बस वही हमारा फोन उठाते हैं, उन्होंने ही हमसे बात करी है। जल बोर्ड वाले कह रहे हैं हमारा कोई काम नहीं है ये करने का, जब कल को काम नहीं होता इस तरह से आए दिन हादसा होते रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे मालिक, धरना प्रसन्न पर बैठेंगे, पहले अनशन करेंगे यहाँ पे, और क्या होगा यहाँ पर, नहीं रोड बंद कर देंगे जी, रोड ब्लॉक आज भी कर रखा है, ये 1 महीने तक और ब्लॉक रहेगा। के बच्चे निकलते हैं और कई बार गिरते गिरते बच्चे, एग्जाम आने वाले हैं, अगर उनका फ्रैक्चर हो जाए तो एग्जाम कैसे देंगे आप बताओ, 10th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, आप मुझे बताओ, इतने बार हम सीवर के पाइप जोड़ने के हजार पे हमसे लेकर जाते रहे और अभी भी 4 महीने हो गए घर में पानी नहीं आ रहा, उनको पानी मैं सप्लाई दे रही हूँ, उतने परेशान है ना, बहुत ज्यादा परेशान है, 4 महीने से उनके घर में पानी नहीं आ रहा, आप बताओ कैसे चलेगा। आप लोग शिकायत दिए तो शिकायत करते हैं, बकायदा रिटर्न में 2 बार दे रखी है ठीक है, मगर वो हमारी कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल, वो कहते हैं हमारे आदमी बांध पे लगे हुए काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं बांध पे, उनसे पूछो जाके, कोई काम नहीं हो रहा, बस एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं काम, ये पूरा ये लगाओ जनवरी से लेके और आज ये टाइम हो रहा है, 6-7 मंथ होने को आ रहे हैं मगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया, बस खोदने के अलावा खोद के चले गए। मना किया अभी आपका काम नहीं है, मत खोदो, जब काम शुरू होएगा तब आप 2 दिन पहले खोद देना, नहीं हमें तो ऑर्डर है, मैंने कहा ऑर्डर दिखाओ, कहते नहीं जी हम तो घर, हमारे को जो ऑर्डर उनको अपनी दिहाड़ी बनानी थी, अपने 500-1000 पे लेने थे चले जाना था, आप ये लगाइए डेंगू चल रहा है इस टाइम पे, इतना पानी पड़ा है क्या, ये बताओ कौन सी जगह है, जगह ये संत नगर 110 नंबर गली, संत नगर बुराड़ी 110 नंबर और दिल्ली 84 ठीक है, लेके डी के स्कूल तक का बिंबा से लेके पूरे 110 नंबर गली है, नास्ता 25 कूटा से लेके पूछते तक ये कनेक्टेड है, ये जब चलते हैं शनि मंदिर से, ये शनि मंदिर के सामने से उतरती है नीचे के लिए पूछते पे रोड, जो ट्रक निकलती है ये 110 में निकलती है या फिर बाबा कॉलोनी निकलती है, ये 3 ही कनेक्टेड रोड है जो कि मेन रोड से मिलाती है 100 फुटा पे, और उसको नहीं देख रहे विधायक फंड में 110 नंबर गली जो खुदा है पाइपलाइन डल रहा है, और विधायक एक बार भी देखने नहीं आया इधर। क्या लग रहा है विधायक जी आखिर क्यों नहीं आते, आप लोग शिकायत देने के बाद भी विधायक नहीं आने के क्या रीजन? ये तो विधायक जी बताएंगे जी क्या रीजन है, विधायक जी तो जनता जब चुन कर दिया है तो विधायक तो एक सर्वोपरि है इस जगह का, संत नगर के बुराड़ी का, तो उनको तो आना चाहिए यहाँ देखने के लिए, और खुद संत नगर के रहने वाले हैं और वो खुद संत नगर में नहीं आ रहे। अब क्या लग रहा है कि जब इस तरह से समस्या बढ़ते जा रहा था, रोड जाम करेंगे जी, अभी तो गली कर रहे हैं जाम, आगे 25 फुटा जाम करेंगे, उसकी सुनवाई नहीं होगी तो 100 फुटा भी जाम किया जाएगा। पंडित जी आप भी बोलिए,
ये हमारी जो ये गली है ये भी सब बंद पड़ी है, तीन चार महीने हो गए, पाँच छह महीने हो गए, पानी भर जाता है और आठ सवेरे आकर पानी काट करके निकालना हम लोगों ने निकाला है, तो पूरा भरा रहता है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए, गिर जाते हैं लोग, और तीन चार दिन करना ही नहीं था, खोदना ही नहीं चाहिए, हमने जब भी खुदाई कर रहे थे तभी उनसे कहा था यहाँ के पत्थर उठा उठा के ले गए जो खोदे थे और अपना और जगह इन्होंने लगा दिए। भ्रष्ट सरकार यही है, अब बंद है, यही बंद है, वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ करके लोग हमारे पास, हम लोग घर घरों में आ जाते हैं कि हम करेंगे ये करेंगे, और आ जाते हैं तो आप देख ही रहिए क्या लोग आगे खुदाई चालू की जाएगी। इसके लिए मैं दो तीन बार कंप्लेंट भी कर चुकी हूँ, दो तीन बार कंप्लेंट तो कोई आता नहीं है, ठीक है, ये गाड़ी यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ सारा पानी भर जाता है, तीन चार बार कंप्लेंट करी, ये कहते हैं आ जा रहे कल आ रहे आ जा रहे कल, कोई आता ही नहीं बोला तेरा साला है, कंप्लेंट करके भी परेशान हो गई, वहाँ से उनको बोला है कि भैया इधर से साफ कर दो, तो वो ये कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, आखिर क्या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रखे हैं? पता नहीं सर, हमें तो हिंदुस्तान है पाकिस्तान है पता नहीं, हमें तो क्या बना रखा है, लेकिन ये ना हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ गिरते हैं नालियों में, क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह छह बजे यहाँ से निकलते हैं फिसल जाते हैं, पानी भरा हुआ है, 24 घंटे पानी निकलता है यहाँ पे, जब आएंगे तो वोट मांगने के लिए पैरों में गिरेंगे, माफी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, और वोट बनी तो अपना काम बनता है, भाड़ बनाएगी जनता, हमें ये लग रहा है हमारी गली को बनाओ, सुबह सुबह हम 6 बजे बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, यहाँ से लेके जाओ, दो साल गलियों को तोड़ तोड़ के छोड़ दे रहे हैं, बना के चले जा रहे हैं, अब जब तक नहीं काम करेंगे तो आप लोग क्या आंदोलन चलेगा जी, आंदोलन अगली बार वोट नहीं होगा, अब तो आंदोलन चलेगा, हमने हमारे वाले उन्हें वोट मिलेंगे, हम बोल रहे हैं, हम तो बहुत कष्ट के ऐसा है, हमारी उम्मीद मतलब हमारे साथ जीते थे ना।